अगर आप अपनी कार या बाइक से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा सुरक्षित रहे, आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय बीमा नियामकरण प्राधिकरण IRDA ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए अपने पहले आदेश को बदलते हुए कहा है कि 1 सितंबर से कार या दोपहिया वाहनों के लिए ऑन डैमेज इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना जरूरी नहीं होगा। IRDA ने अपने नए सर्कुलर में यह भी कहा है कि बीमा कंपनियों को 1 सितंबर 2019 से नई पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए वार्षिक ऑन डैमेज कवर वाली पॉलिसी शुरू करानी होगी। इसमें पॉलिसी धारक के कहने पर आग और चोरी के नुकसान को भी कवर किया जाएगा। बीमा नियामक IRDA ने साधारण बीमा कंपनियों को 1 सितंबर से नई पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस तरह का बीमा उपलब्ध कराने को कहा है। साधारण बीमा कंपनियां अब आपसे वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोड़फोड़ या दंगों जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए भी अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। आग व चोरी से होने वाले नुकसान को भी इसमें कवर किया जाएगा, लेकिन ये ऑन डैमेज इंश्योरेंस कवर लेना लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा। बीमा कंपनियों के पास ऑन डैमेज कवर या थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के साथ पैकेज पॉलिसी का सुझाव देने का विकल्प होगा। फिलहाल कंपनियों को ऑन डैमेज वाली बीमा पॉलिसी लंबे समय के लिए देने की अनुमति नहीं होगी। अब लोगों के पास सिर्फ ऑन डैमेज कवर को रिन्यू का भी विकल्प होगा। IRDA ने कहा है कि ये सुविधा लोगों को 1 सितंबर 2019 या उसके बाद उपलब्ध होगी। ये रिन्यूअल उसी बीमा कंपनी या किसी दूसरी बीमा कंपनी से भी कराया जा सकता है।